ठीक है, ये टनल अब इसका डायरेक्ट दिखाएंगे हम। ओके लिखा है वहाँ पे, चल के वहाँ पे लिखा है क्लियर से। चलो भाई साहब, क्या टनल है भाई, लाइटें लगा दी इन्होंने अंदर। अच्छा मतलब वो एलिवेशन में आएगा जो हम सोच रहे थे वही है ये। तो ये टनल इधर से है राइट। हाँ, इधर से आएगी हाइट से और फिर क्या, और उधर। वाह, थोड़ा और आगे चलते, उसको क्लोजअप से लेंगे ना। रोडी खत्म हो गई, पीछे तो खाली है। बाइक
बाइक भी ही चल सकती है आगे आके, बस गाड़ी तो आएगी अगर स्कूटी भी आएगी मुश्किल से आएगी आएगी। अरे भाई भाई चला दो चला दो ऊपर ही पहुंच गया। लोकेशन को नहीं पार कर देंगे कहीं, उस वाले टॉप पे चल के देखते हैं कहीं से वापस। तो हम वहाँ थे, अगर आपको व्हीकल्स दिख रहे हों तो ये रास्ता है, इस रास्ते से होके इतना ऑफ रोडिंग और यहाँ चढ़ते हैं। कैसे चढ़े पता नहीं, गुड दैट्स द टनल वी वांटेड टू सी। काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, तो फिलहाल मैं बिल्कुल, आप यहाँ से अगर ये देखें तो मिनिमम से मिनिमम ये 300 फीट के आसपास तो हाइट है ही, और हम इतनी हाइट पे खड़े हैं वो भी कैसे, कि उधर अनिरुद्ध अपने काम में बिज़ी है फिलहाल तो, लेकिन अनिरुद्ध और मैं इतने छोटे रास्ते से, एक गाड़ी भी यहाँ ढंग से नहीं आ पा रही, सिर्फ बाइक बड़ी मुश्किल से आई है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं अनएक्सपेक्टेड, जो पीछे टनल थी अगर आप वो देख सकते हैं तो वो उस टनल पे वो लगभग लगभग तैयार थी, और इस टनल से वहाँ से होते हुए अब ये टनल है और ये टनल इधर है, ठीक है। उधर वो बस वर्कर्स को लेके देखते कहाँ जाती है, शायद अंदर ही जा सकती है क्या, अंदर तो शायद ना जाए। नहीं अंदर नहीं क्योंकि अंदर से फिर रिवर्स आने की जगह नहीं मिल पाती है, बट स्टिल एनी हाउ। और हाँ, अगर आप ये देख सकते हैं तो ये जो आपको राउंड शेप जो सरिये दिख रहे हैं ये सब पिलर्स के लिए हैं, क्योंकि बीच में एक पिलर भी आएगा, क्योंकि इतना लंबा उस टनल से और डायरेक्ट यहाँ तक ये काफ़ी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास हो जानी चाहिए, तो इसके बीच में पिलर देने ज़रूरी हैं। जैसे ये पिलर है, यहाँ से पिलर के बाद बीच में एक इधर पिलर आएगा और एक उधर पिलर है, अगर आप वो खाली जगह देख सकते हैं तो वहाँ से फिर वो उधर, तो ये अपने आप में मैं तो कहता हूँ कि यूनिक व्यू है मेरे लिए तो, बट स्टिल आई एम रियली हैप्पी। और नदी भी है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतना मैजेस्टिक व्यू है ये। ये शिवपुरी है ना, शिवपुरी से भी आगे चलना चाहिए, चल ही रहे हैं। नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी वो हमने एक टनल आगे भी देखी थी, वो जहाँ तक मेरा ख्याल है थोड़ा सा ही आगे है, वो थोड़ा सा ही आगे था, लगभग 2-3 किलोमीटर के आसपास। ये एक और टनल है यहाँ पे,